खबर खरगोन से है, जहां बड़वा नगर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम मेहंदी खेड़ा में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मार दी। सूचना मिलते ही 108 मौके पर पहुंची। गंभीर अवस्था में महिला को बड़वा के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना करीब 8 बजे की है। घटना में पति पत्नी ही रहते थे। दोनों लड़के इंदौर में काम करते हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 8 बजे सुखलाल और पत्नी कुंदाबाई का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी के हाथ पर कुल्हाड़ी मार दी। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन वहां से गुजर रहे युवक राकेश सोलंकी घर गया तो महिला खून से लथपथ थी। परंतु फिर तुरंत 108 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची 108 से गंभीर अवस्था में महिला को बड़वा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला का अधिक खून निकल जाने से मौत हुई है। शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची, मृतिका के दोनों बेटों को सूचना दे दी है। वहीं वह इंदौर से रवाना हो गए हैं। अभी एक कुंदाबाई को यहां पर गंभीर अवस्था में लाए थे, उसकी मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला और क्या कारण लग रहा है? कुंदा भाई नाम से एक महिला को लाए हैं मेहंदीखेड़ा से, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। और उसके साथ वालों ने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, कुराड़ी से कुछ बता रहे हैं इस टाइप से, अभी कन्फर्म नहीं है, कुराड़ी से मानना बताया है। मृत अवस्था में लाए हैं, कारण हो सकता है ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मृत्यु होगी। वहाँ से निकल रहा था है ना, चिल्ला चोट करी, हमने गाड़ी रोकी, ठीक है, तो उसको हमने देखा तो कुराड़ी मार दी, हम सिर पे जाकर लेके आए, ठीक है। ये घटना कहाँ की है? मेहंदीखेड़ा बड़ेल मेहंदीखेड़ा। ऐसा फिर क्या हुआ इसको यहाँ पर लाए? हाँ, इनके परिवार में कौन कौन है? कोई भी नहीं आया अभी, अभी कोई नहीं है। तो दोनों लड़के हैं जो कि इंदौर काम करते हैं, वो अभी आ नहीं पा रहे। ये पति पत्नी वहीं रहते हैं? हाँ, दोनों पति पत्नी वहीं रहते हैं। क्या विवाद होते रहता था क्या पहले कभी? नहीं, पहले तो नहीं पता, लेकिन अभी पहली बार वहाँ इनका साथ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हाँ राकेश सोलंकी। खरगोन से रियाज खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV1 इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।